हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए ट्रिवो बुक चालू हुआ था, आप इसमें पढ़ रहे थे समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, देखिए ये बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर क्या है, वन का है, और जो बुक चालू हुआ था उस बुक का नाम है ट्रिवो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और यूनिट नंबर हम लोग क्या लिए हैं 6 में है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज चालू हुआ है और समेशन ऑफ सीरीज में हम लोग बना रहे हैं फिलहाल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज क्या है 6 सॉल्व हो रहा है। ये लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता, ठीक है, लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता के बुक से हम लोग पढ़ रहे थे समेशन ऑफ सीरीज। एक्सरसाइज नंबर 6 है और 6 में हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज 6 को लेकर के। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6। देखिए सीरीज क्या दिया है, गिवन है साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा, 2 के यहां तक है n टर्म्स। तो इसका जो सीरीज है कहां तक चल रहा है n टर्म्स। जो एंगल है पहले एपी में होना चाहिए, देख लेते हैं कि एपी में है कि नहीं। अल्फा के बाद कितना बढ़ा 2 अल्फा, मतलब 1 अल्फा इसमें ऐड हुआ है, इन 2 के बाद 3, एक एक अल्फा बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी में है। ठीक है, अब ये बात बता देना है कि अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा ना, ये क्या है आर इन एपी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो टर्म होगा बताएंगे अल्फा होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस लिखेंगे जिसको डी बोलते हैं। दूसरे में से पहले को घटा दिया जाए 2 अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल अल्फा आएगा ना। अब देखिए सम हम लोग जानते क्या है कि सम साइन का सीरीज है, साइन में लिखेंगे। देखिए जी साइन एन डी बटा 2, साइन डी बटा 2 साइन होगा, इसमें लिखेंगे फर्स्ट टर्म ना एन माइनस 1 डी बाई 2। चलिए सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, साइन डी का वैल्यू अल्फा है तो एन अल्फा बाई 2, यहां भी क्या है अल्फा बाई 2 ही लिखेंगे, डी का वैल्यू क्या है अल्फा बाई 2 क्योंकि अल्फा रखेंगे और पहले से 2। साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 डी, डी कहने का मतलब अल्फा बटा 2। 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो एस इक्वल टू सब होता है। और उसके बाद लिखेंगे साइन साइन ना एन अल्फा बाई 2, 1 बाई साइन इक्वल टू कोसेक बनेगा, इसको आप लिखिएगा कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बाई 2। समझ में आया। देखिए इसमें 2 क्लास ले चुके हैं, आप दोनों क्लास के बिल्कुल देख लीजिए पहले फॉर्मूला वगैरह हो ना, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व होगा। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी में। देखिए ए सीरीज फिर से दिया है और इसका सम पूछा है, तो इस टाइप के 3 सीरीज हमने लिखा है और तीनों सीरीज का सम क्या होता है। पहला क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, दूसरा होगा एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बटा क्या होगा 6, और एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2।
टू और इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। इस टाइप के आप सीरीज पढ़े होंगे क्लास का आरंभ में, तो ये तीनों सीरीज इस टाइप से देगा कि वन टू थ्री है किस पावर नहीं है, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। इसमें बोला क्या है कि पहला कहीं दूसरा प्रश्न है, पहला कहीं क्या है दूसरा प्रश्न है, और में बोला कि हेंस फाइंड द सम ऑफ सीरीज। प्रथम टर्म बताइए, सीरीज का प्रथम कौन होगा, वन होगा, इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको ए बोला जाता है वन देगा। कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं और टू में से वन घटाएंगे, दूसरे में से पहला को घटाएंगे तो क्या मिलेगा वन। सिंस ए से इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ये होता है टू प्लस एट ना, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप बता दीजिए एन का वैल्यू कितना है, ए ही है, तो एन के जगह पर तो एन बाई टू हो गया, ए टू हो गया वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा वन, समझ गए। अब ए होगा वन बाई टू, इसको क्या लिखेंगे टू प्लस गुणा करके एन माइनस वन होगा, समझ गए बात को ना। अब सोल्व कीजिएगा तो एन बाई टू होगा, ये देखिए एन मिलेगा ना, टू में से वन घटाएंगे तो प्लस वन, यही आपका आंसर दूसरा होगा। यानी कि जो सम आ गया एन पदों का सम कितना होगा, एन बाई टू इंटू एन प्लस वन आएगा। बात समझ भी आया, ये नंबर क्या था, नंबर वन का, वन में दो प्रश्न था, एक साइन का सीरीज था एक नंबर का सीरीज था, इसका सम अलग इसका सम अलग आ गया, तो आप इसको फिर से ये नोट करेंगे और ए वाला नोट में रख लेंगे कि ये फॉर्मूला ही सीधा सीधी होता है, कभी काम करेगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे नंबर क्या है, टू है, ठीक है, नंबर क्या है हम लोग, ए बोला है कि cos a cos 2a cos 3a 2n टर्म्स, इसका सम अलग इसका सम अलग, ठीक है, दोनों का सम हम लोग निकाल लेंगे। पहले जो cos का सीरीज दिया है उसको देखेंगे, cos a cos 2a cos क्या है 3a ना, ये बता देंगे a 2a 3a, डॉट क्या है आर ए एपी में है, ठीक है, क्या है एपी में। इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ये लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, टू ए माइनस ए इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए सम कितना होता है, सिंस साइन एन डी बटा टू साइन डी बटा टू, फिर लिखा जाए, अच्छा कॉस है ना, कॉस में हम लोग कॉस लिखते हैं, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म बीच में प्लस एन माइनस वन डी बाई टू होगा। बात यहाँ क्या बना, साइन एन ना, साइन एन डी का वैल्यू क्या है, ए है, डी का वैल्यू क्या है, ए है, तो एन ए बटा टू, इसमें लिखेंगे साइन ए बटा टू कॉस, ए हुआ फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाए, एन माइनस वन ए बटा टू लिखेंगे, वन बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस एक बनेगा। इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि साइन एन ए बटा टू कॉस ए बटा टू इंटू कॉस ए प्लस एन माइनस वन ए बटा टू होगा, ठीक है, ये आपका मिल गया सम। तो ये सम हो गया इसका, कॉस का जो सीरीज है उसका सम मिल गया, बात समझ में आ गया, समझे। अब देखिए दूसरी बात है, सेकेंड पार्ट, अब दूसरा भाग वाले को चलेंगे, वन का स्क्वायर प्लस क्या है टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डॉट डॉट। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, सिंस वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री का स्क्वायर डॉट डॉट क्या चलेंगे, यहाँ पे एन का स्क्वायर है, क्या है एन का स्क्वायर है। ऐसा क्यों, हमने देखा टू एन टर्म जा रहा है, मतलब एन का भी स्क्वायर होगा, है ना,
अगर एन का वैल्यू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर थ्री रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर। चलिए एक का आ गया, दूसरा हम लोग देखेंगे वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर। इसका जो सम होगा एन इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस क्या होगा वन बटा सिक्स होगा। ठीक है, सीधा लिख देते हैं कि नोट से लिखवा दिया, उसी नोट से सीधा एन इंटू क्या करेंगे एन प्लस वन और फिर क्या होगा टू एन प्लस वन बटा सिक्स है। आप नहीं होगा तो क्लास 11 में देख लीजिएगा, आर एस अग्रवाल के बुक में सीरीज में चले जाइएगा, सीरीज का पूरा सम दिया हुआ है, अच्छे से उससे बना सकते हैं आप। देखिएगा नंबर थ्री प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा बन जाएगा साइन क्या है फाइव थीटा डॉट डॉट चलेगा। इसमें से यहां से हम लोग थीटा के बारे में देखेंगे, थीटा थ्री थीटा फाइव थीटा आर क्या है एपी, एपी में कैसे लिख दे रहे हैं एक के बाद तीन बढ़ गया तीन के बाद पांच मतलब दो दो बढ़ रहा है ना। अब बताना है यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये थीटा होगा और डी बराबर थ्री थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा टू थीटा। सिंस सम क्या होता है साइन एन डी बाई टू, साइन डी बाई टू साइन का है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे साइन लगाएंगे, ये कॉस का था इसलिए यहाँ पे क्या लगल है कॉस, केवल थोड़ा सा यही पे चेंज होता है साइन में है तो साइन कॉस में है तो कॉस। यहाँ लिखेंगे साइन इसको फर्स्ट टर्म बीच में प्लस होगा एन माइनस वन डी बाई टू होगा। ठीक है, चलिए साइन यहाँ पे होगा एन, एन तो होगा डी का वैल्यू क्या है टू है यानी कि एन टू थीटा बटा टू, इसमें क्या होगा साइन टू थीटा बाई टू साइन थीटा प्लस एन माइनस वन टू थीटा बाई टू। देखिए यह बिल्कुल टू से क्या हो रहा है कट जा रहा है ना, यहां भी कटेगा वन बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बोलिए कि कॉस एक थीटा, तो लिखेंगे कॉस एक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एन माइनस वन थीटा। आप थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा तो ये माइनस थीटा होगा, क्या होगा माइनस थीटा और ये क्या होगा प्लस थीटा, तो ये बिल्कुल कट जाएगा। यहीं पे हम एक स्टेप काट देते हैं, देखिए इस वाले थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एन थीटा माइनस थीटा, ये थीटा थीटा बिल्कुल कट गया, तो ये मिला क्या साइन एन थीटा कॉस एक थीटा और साइन एन थीटा। ठीक है, अब बात बनता है कि साइन एन थीटा और साइन एन थीटा क्या हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का एंगल क्या है सम है तो इसको सेम है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन थीटा इंटू कॉस एक थीटा। बात समझ में आ रहा है, तो ये नंबर थ्री भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो आप इसको थोड़ा जल्दी भी नोट करेंगे। अच्छा नीचे वाले चलो इसको देखिए, यहाँ पे ए नंबर फोर है पेटी मतलब प्रोब्लेम, ठीक है क्या बोला है प्रोब्लेम, एक दो तीन चार पांच, पांच ही टर्म है, क्या है पांच ही टर्म है और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए वन। ये पहले बताते हैं कि ये पांचों टर्म क्या है एपी में है, हमने देखा ये पाई के बाद थ्री पाई बार बढ़ा फिर पांच फिर सात और फिर नौ, बिल्कुल एपी में होगा होगा ना। तो बात यहाँ बनता क्या है कि देखिएगा पाई बट्टा ग्यारह थ्री पाई ग्यारह फाइव पाई ग्यारह सात पाई बट्टा ग्यारह और नौ पाई बट्टा ग्यारह, आर क्या है ये एपी में, ठीक है क्या है एपी में, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो पाई बट्टा कितना आ जाएगा ग्यारह आ जाएगा, पाई बट्टा ग्यारह आएगा। डी निकालेंगे तो थ्री पाई बट्टा ग्यारह माइनस पाई बट्टा ग्यारह, तीन में से एक पाई गया कितना मिलेगा टू पाई बाई ग्यारह, डी निकल गया। काम समझ में आ रहा है,
अब हमने क्या किया ए, देखिए कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इसमें देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म ए तो चार, क्या है फाइव है, देखिए एक दो तीन चार पांच ही है। अगर एन रहेगा तब तो ये फॉर्मूला एन रहेगा ना, लेकिन क्या है पांच है। अब सिंस में देखिएगा सम कितना होता है, साइन एन डी बाई टू साइन, यहां से क्या लगाया जाए डी बटा टू कॉस, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी बटा टू, यही होगा ना जी मोहन। यहां से भी देखिएगा साइन एन का वैल्यू कितना है पांच, डी का वैल्यू कितना आ रहा है टू पाई बटा ग्यारह, अब बटा में क्या करेंगे टू कर देंगे, यहां से फिर करेंगे क्या साइन डी का वैल्यू क्या है टू पाई, क्या है टू पाई बटा ग्यारह इंटू फिर से क्या होगा पाई कर लेंगे, डी का वैल्यू यहां से बटा टू ना होगा जी। अच्छा ए क्या होगा कॉस, ए लिखेंगे ग्यारह पाई प्लस एन का वैल्यू कितना है फाइव माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है टू पाई बटा ग्यारह इंटू फिर से क्या लिखेंगे टू। चलिए इसको ये दो से ये बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा, ये भी दो से क्या होगा कट जाएगा, यहां से देख लीजिए आप लोग क्या मिलेगा, ये दो से ये दो कट गया, जो मिल गया उसको लिख दीजिए, तो साइन फाइव पाई बटा ग्यारह बटा साइन पाई बटा ग्यारह, ये हुआ कॉस पाई बटा ग्यारह पाई बटा ग्यारह बीच में प्लस, पांच में से हम लोग एक घटाएंगे तो चार मिलेगा यानी कि चार पाई, क्या लिखेंगे चार पाई बटा ग्यारह, समझ में आया, अरे चार होगा ना और ये पाई होगा बट्टा ग्यारह, उस वाले को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये मिला साइन फाइव पाई बट्टा ग्यारह साइन पाई बट्टा ग्यारह, इसको लिखेंगे कॉस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा फाइव पाई बट्टा ग्यारह मिलेगा चार और एक पांच। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा बताइएगा, दो से मल्टीप्लाई करेंगे और दो से क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फाइव पाई बटा ग्यारह आ जाएगा और इंटू क्या आएगा कॉस फाइव पाई बटा ग्यारह और यहाँ से टू लिखेंगे साइन फाइव बटा ग्यारह लिखेंगे। साइन थीटा देखिएगा एक फॉर्मूला यहां से बनेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा, कितना होता है साइन टू थीटा, बात समझ में आ रहा है। इस वाले को देखिए हमने क्या लिखा साइन, लिख सकते हैं ना साइन, फिर लिखेंगे टू थीटा, थीटा आप लोग देख लीजिए क्या है फाइव पाई बट्टा ग्यारह, समझ गए, इसमें क्या लिखेंगे टू साइन पाई बट्टा ग्यारह, पांच दुना के कितना होगा मोहन, इसको हम क्या लिख सकते हैं दस पाई बट्टा ग्यारह और ये क्या होगा टू साइन पाई बट्टा ग्यारह, क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए साइन पाई माइनस पाई बट्टा ग्यारह लिख सकते हैं और टू साइन पाई बट्टा ग्यारह लिख सकते हैं जी, अरे दस पाई बटा ग्यारह को हम पाई माइनस पाई बाई ग्यारह, क्योंकि ग्यारह इसके पास जाएगा तो ग्यारह में से एक पाई घटेगा तो दस पाई एक तो बचेगा ना, यहां से एक फॉर्मूला लगेगा देखिएगा साइन पाई माइनस थीटा, तो ये सीधा केवल क्या होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर क्या है बताइए पाई बटा ग्यारह और टू साइन पाई बटा ग्यारह, साइन पाई बाई ग्यारह साइन पाई बाई ग्यारह तो क्या मिलेगा वन बाई टू मिलेगा, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए हमें, परेशानी है नहीं ना,
सभी जगह हमने फार्मूला को लगाया है। यहाँ भी फार्मूला लगल है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन क्या होता है टू थीटा होता है, हमने ये फार्मूला लगा दिया। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले नंबर को देख लेना, अगर नंबर एन नहीं है मतलब नंबर ऑफ टर्म आपका एन नहीं है तो आप उस नंबर को एक दो तीन चार पांच, कितने टर्म है पांच, एन का वैल्यू क्या होगा फाइव होगा, बाकी फॉर्मूला तो वही लगेगा, एन के जगह पर कितना पुट करना होगा फाइव पुट करेंगे, बाकी ये कट हो गया, जो भी आएगा इसको हम दो से मल्टीप्लाई इसलिए किए कि साइन देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए मल्टीप्लाई किए, पांच दुना के दस होगा, इसको दस को ऐसे लिखेंगे पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा के जगह पर पाई बट्टा ग्यारह है और दोनों कटेगा तो वन बाई क्या आ गया टू आ गया, बात समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए, तो हाँ ये नंबर फाइव है, वन का ही फाइव है और पीटी कहने का मतलब प्रूव्ड है, ये बोला है कि साइन पाई बट्टा क्या है 14 है, उसी तरह से ये दिया है कितना टर्म है 28 टर्म है, इसका वैल्यू बिल्कुल क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। थोड़ा हम लोग बात इसमें कर लेते हैं, देखिएगा आप यहाँ से पहले इस वाले एंगल को पता कर लीजिएगा, तो पाई बट्टा क्या है 14, टू पाई बट्टा कितना है 14, थ्री पाई बट्टा कितना है, मतलब एक एक बढ़ रहा है ना, तो चलिए आज क्या है ए ए बी का है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म पाई बट्टा 14, डी बराबर क्या होगा टू पाई बाई 14 माइनस पाई, ये तो पाई बटा 14 ही आ जाएगा, नहीं आएगा दो में से ये घटा देंगे तो। अच्छा नंबर ऑफ टर्म देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एन बराबर कितना है 28 है, साइन का है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा साइन लगेगा, समझ गए बात को, फॉर्मूला यही लगेगा, साइन कहे तो यहाँ पे साइन कर देते हैं, देखिए साइन एन एन का क्या है 28 है, डी का वैल्यू क्या है फाइव है, किसी को कोई डाउट है नहीं ना, अबटा भी क्या है टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू लिखेंगे, समझ गए, एन का वैल्यू 28, डी का वैल्यू फाइव बटा 14, अब पहले से डी बटा क्या है टू है, यहाँ पे साइन लिखेंगे, डी का वैल्यू क्या है फाइव बटा 14 और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ, अब देखिएगा टू होगा, ये मिला साइन पाई बटा 14 प्लस एन का वैल्यू 28 माइनस 1 डी, डी कहने का मतलब क्या होगा पाई बटा 14 और फिर से क्या होगा बटा में टू, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हम तो नहीं लगा 14 दुना के 28, ये 28 और ये 28 कट गया, क्या मिला साइन पाई ना, ए मिला साइन पाई बट्टा 28, ए मिला साइन पाई बट्टा 14, 28 में से एक घटाएंगे तो 27 पाई और ए क्या होगा 28 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है, ये साइन पाई का मान कितना होगा जीरो हो गया ना, तो ये मिला साइन पाई बटा 28 इंटू साइन पाई बटा 14 प्लस 27 पाई बटा 28, सेंस में लिख सकते हैं कि साइन जो पाई है उसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, साइन पाई का साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, अब बताइए ये जीरो हो गया है इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो, और डिवाइड भी करेंगे तो क्या मिलेगा बिल्कुल जीरो मिलेगा, बाकी आपको इधर देखना ही नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो, तो टोटल क्या कर लेगा जीरो कर लेगा, यही था आपका फाइव, बहुत आसान था कि बस फॉर्मूला पे बैठाइए साइन पाई हो गया
साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है और जीरो होगा तो टोटल टर्म ही क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। इसको देखो काम के लायक है इसलिए इसको छोड़ दे रहा है ना? क्या हो काम के लायक है ना ये चीजें साइन में, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा ना। पहले देख लेना है कि सभी के नीचे क्या है, ए डेन है, क्लियर है? यहाँ पे कहाँ से चालू है, टू पाई, दो के बाद कितना आया, दो बढ़ गया, उसके बाद आठ आता, लास्ट में देखिए टू पाई है कि नहीं है, टू पाई और एन लगल है, लेकिन कितना टर्म है इसमें, एन टर्म है, कितना टर्म है, एन टर्म, इसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो एंगल दिया है उसको क्या है, फोर पाई बटा एन, सिक्स पाई बटा एन, अब की बात एट पाई बटा एन, बहुत हो गया, आर इन क्या है, एपी में, इसी को कोई डाउट नहीं है। अब बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है ना? जिसको हम लोग ए से भी लिख सकते हैं, तो टू पाई बटा क्या होगा, ए, अब कॉमन डिफरेंस दूसरे में से पहलों को घटाएंगे, और देखो जी पहले देख लो उसके बाद लिखना, चार में से अगर दो घटाएंगे तो टू पाई बटा एन बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ही, इस फॉर्मूला पे आगे सीधा सीधी, नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन है, कितना है, एन है, आप यहाँ एस इक्वल टू बोला है कि इसका सम जीरो आना चाहिए, चलिए ये हुआ, देखिएगा साइन हुआ, एन तो रहेगा ना, एन बटा टू, क्योंकि एन बटा टू रहेगा, डी डी कहने का मतलब क्या है, टू पाई एन है ना, टू पाई बटा एन, फिर यहां से आइए ये हुआ साइन डी, डी कहने का मतलब क्या है, वन बाई टू तो रहेगा, वन बट्टा टू रहेगा, डी डी कहने का मतलब क्या है, टू पाई एन है ना, ये हुआ साइन, जो पहला टर्म है आपके पास वो है टू पाई बटा एन, एन का वैल्यू यही रहेगा, डी डी कहने का मतलब क्या है, टू पाई एन, तो टू पाई बटा एन, और ये पहले से भी बटा क्या है, टू है, ठीक है। चलिए इसमें काट एन से एन गया, पाई से पाई, टू से टू, इधर तो नहीं कटेगा, ए टू से टू कट गया, जो बच गया उसको हम लोग देख रहे हैं लिख करके, यहां बचा एस इक्वल टू साइन, केवल पाई बचा है, तो बताइए साइन पाई बटा, यहां से साइन लिखेंगे, टू से टू कट गया तो क्या मिला, पाई बटा ए साइन टू पाई बटा एन प्लस एन माइनस वन पाई बटा एन आ गया। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा जीरो बटा साइन पाई बाई एन, इसको लिखेंगे साइन टू पाई एन प्लस एन माइनस वन पाई बटा एन, और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो होगा। बात समझ पे आया, समझ गया है? तो ये नंबर सिक्स है, ये नंबर वन का ही सिक्स है, समेशन ऑफ सीरीज चल रहा था, इसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, और एक्सरसाइज में हम लोग पहला प्रश्न के कितने प्रश्न है, छह है, क्योंकि छह बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे, बस समझ में आ रहा है ना कि क्या किया गया है। दो फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला देखिए सेम टू सेम होगा, अगर कॉस का होता तो यहाँ पे क्या होता, कॉस, बाकी सब एक ही, साइन के है इसलिए क्या आया साइन, डी का वैल्यू ये वाला और ए का मतलब फर्स्ट टर्म ए वाला हम लोग यहाँ पे रखेंगे, कट गया, एक जगह क्या है साइन पाई, एक जगह क्या है साइन पाई है, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, टोटल मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, ठीक
रियाज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं ना क्या? अरे बहुत काफी है, 6 प्रश्न बन गया है तो, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 से, ठीक है, जो कि 1 है, इसमें 2 है, 3 भी है, 4 भी है, हाँ 4 भी है, ठीक है। उसके बाद 3 में भी आपका 2 प्रश्न मिलेगा, 1 और 2। देखिए कम कम ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने से भी समझ में ना आए तो बड़ा दिक्कत है, इसलिए हम लोग अगले क्लास में क्या चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 का 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो जाएगा, हो सके तो तीसरा भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में प्रश्न संख्या 2 की ओर, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई।